सत श्री अकाल, सो वेलकम टू द चैनल साइकिल वॉरियर सोनू। अगर आप भी ले रहे हैं एक MTB और आपका है एक मिड रेंज में, आप अच्छी सी बाइक चाहते हैं, सो पहले इस वीडियो को आज जरूर देखना है एंड लास्ट तक, बिकॉज हम इसकी एक राइड लेने वाले हैं। ऑफ रोड भी करेंगे थोड़ा सा और ऑन रोड भी, उसके बाद इसका होगा रिव्यू स्पेसिफिकेशन। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और आपको बताते हैं इस नई साइकिल के बारे में। सो स्टार्टिंग करते हैं इसके फ्रेम से। इसका फ्रेम है अल्ट्रा लाइट एंड स्टडी 601 एल्यूमिनियम एलॉय T1 की ब्रांडिंग के साथ। इसमें आपको मिल जाएगी ICR इंटरनल केबल राउटिंग एंड वाटर डिकेल्स। उसके बाद हम चलते हैं जी, इसमें आपको वेल्डिंग, देखिए टिक वेल्डिंग के साथ आपको ये फ्रेम मिलेगा, बहुत ही स्टडी है, बहुत ही ड्यूरेबल। गोइंग टू द फ्रंट, हमारा इसमें आ जाएगा सस्पेंशन, डेट इज़ SR संतूर टफ शॉक्स 91 की ब्रांडिंग के साथ। 100mm ट्रैवल है और जग फ्री राइडिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है। जितनी भी एंट्री लेवल की हम कह सकते हैं कि अच्छी बाइक्स आती हैं, उनमें संतूर का मतलब अच्छा सस्पेंशन है, आपका काम ओके हो जाता है, चल जाता है इससे। नाउ टॉकिंग अबाउट द ब्रेक्स, ब्रेक्स आपको मिल जाते हैं इसमें जैक 7 के मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स और 160mm के राउटर के साथ। रिम्स की बात करें तो रिम्स आपको मिल जाते हैं इसमें डबल वॉल अलॉय रिम्स, और ये पूरे ही रस्ट फ्री हैं, अलॉय रिम्स हैं, सो बहुत ही अच्छे हैं। टायर्स इसमें DSi के टायर्स हैं, DSi में इसमें 29x2.20, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है और बहुत ज़्यादा नैरो नहीं है, सो आप एक MTB का प्रॉपर मज़ा इस पर ले सकते हैं। शिफ्टर्स की बात करें तो शिफ्टर्स आपको मिल जाते हैं इसमें शिमानो डॉर्नी के 3x8 का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है इसमें, डैट इज़ 24 स्पीड। और बात करते हैं इसके FD की, सो FD इसमें है शिमानो TZ 700 और RD इसमें है शिमानो असेरा M360, और इसमें आपको मिल जाता है 8 स्पीड का कैसेट HE 200। सो ये फ्री व्हील नहीं है, डैट इज़ अ कैसेट। KMC का आपको इसमें चैन सेट मिल जाता है, प्रो व्हील का आपको इसमें क्रैंक सेट है और बॉटम ब्रैकेट इज़ कैनली सील कार्ट्रिज। सो ओवरऑल देखा जाए आपको हर चीज़ ये बहुत ही बढ़िया कंपोनेंट्स के साथ मिलती है ये बाइक। आपको इस साइकिल के अंदर मिलते हैं फ्रंट और रियर दोनों में आपको क्विक रिलीज, सो आप इसको बहुत इजीली डिसेंबल करके कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। सैडल आपको मिल जाता है एडजस्टेबल सैडल के साथ विथ स्लाइड, एंड आप इसको कहीं भी हाइट के अकॉर्डिंग, अपनी राइड के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट करके चला सकते हैं। फ्रेम 18.5 इंचेस फ्रेम के साथ ये आपको साइकिल मिलती है, डैट इज़ 29T 24 स्पीड। इसमें आपको 27.5 का जो है वेरिएंट वो भी मिल जाएगा हाइट के अकॉर्डिंग। पैडल्स आपको इसमें लाइट वेट के, आई थिंक लाइट वेट के हिसाब से इनको प्लास्टिक का दिया गया है, बट ये अलॉय के भी हो सकते थे। यहाँ पे आपको देख सकते हैं फ्रेम के अंदर ही आपको अगर डिटैचेबल कैरियर लगाना होता है टूरिंग पर्पज़ के लिए, सो आप इसमें ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। जूम अलॉय का आपको इसमें स्टेम मिल जाता है, स्टील का आपको इसमें हैंडल बार मिल जाता है और सस्पेंशन का हो ही चुका है विद लॉक इन लॉक आउट हाइड्रोलिक, और ये आपका रिफ्लेक्टर बहुत ही यूनिक है, अक्सर 91 की साइकिल्स में ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। वेट की बात करें तो ये साइकिल अराउंड 16 के आसपास के वेट के साथ आती है, सो 16 में अगर MTB बात करें तो जनरली जितनी भी MTBs होती हैं विद दिस मच ऑफ यू कैन से स्पेसिफिकेशंस एंड वेट, तो ये 16 के अराउंड ही होता है, किसी का 14.5-15, बट इस जो प्राइस रेंज है उसके हिसाब से बहुत बेस्ट है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सेकेंडली आप देखिए इसका सस्पेंशन, इट्स वेरी स्मूथ, इसकी राइड करके भी देख लें। सो टॉकिंग अबाउट द प्राइस रेंज, दिस साइकिल कम्स अंडर द प्राइस रेंज ऑफ 27,499 रुपये के प्राइस रेंज में ये साइकिल आपको अवेलेबल हो जाती है आउटडोर्स 91 की साइट पे। एंड इसमें जो कलर्स आपको मिल जाते हैं, दिस वन इज़ द ग्रे सिल्वर या ब्लैक ग्रे जो भी है, क्योंकि ये बाइक मैं किसी की लेके आया हूँ रिव्यू करने के लिए। सेकंड जो कलर आता है वो आता है इसमें रेड एंड ब्लैक का, और थर्ड आता है इसमें टर्किश ब्लू का।
सो जिसको सॉबर कलर चाहिए वो इसमें जा सकता है, जिसको थोड़ी सी ब्राइट कलर चाहिए वो अदर दो ऑप्शंस देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द 91 नाइट ब्लेड 24 स्पीड 2090। अगर आपको भी कोई और इसके बारे में कुछ और पूछना है सो प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो देख के कैसे लगी। ऐसे ही अपना प्यार और साथ बनाए रखिए। हर संडे को मैं कोई ना कोई लॉन्ग राइड करता हूँ, उसका प्रॉपर व्लॉग लेके आता हूँ, सो उसको भी ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए जो भी राइडिंग करना चाहते हैं। अपना प्यार और साथ बनाए रखिए। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स और बहुत सारी ट्रैवलिंग वाली वीडियोज़ हम लेके आ रहे हैं, सो आप लोगों का प्यार चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। सो अपनी राइड हो गई है इसके ऊपर स्टार्ट, एंड राइड करते करते जो मैंने रियलाइज़ किया कि शिफ्टिंग बहुत इजी हो रही है, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट दोनों बहुत बढ़िया से हो रहा है, रोलिंग अच्छी मिल रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है हमें जब भी हम कहीं राइड करते हैं तो रोलिंग आपकी बहुत मैटर करती है, अगर आपकी व्हील्स की रोलिंग अच्छी है, आपकी फ्रेम ज्योमेट्री अच्छी है तो आपकी राइड ऑब्वियस सी बात है कि अच्छी होगी। और इन चीज़ों को आप रियलाइज़ करते हो जब आप लॉन्ग राइड पर निकलते हो या आपने थोड़ा सा फास्ट निकलना होता है, सो उस टाइम पे अब जैसे ऑफ राइड मैं कर रहा हूँ, ऑफ राइड के अंदर भी मेरे को कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हो रही क्योंकि सस्पेंशन अच्छा है, कंट्रोल अच्छी हो रही है बाइक। ऑल दो मैंने माउंट भी नहीं है मेरे पास ना कैमरे का, तो मेरे को वो मुश्किल हो रही है, लेकिन स्टिल आप देख सकते हो कि बहुत बढ़िया है, बहुत लाइट वेट है, चलने में मज़ा है भाई, और ब्रेक का तो क्या बताऊँ, देखो ओह गजब है दोस्त, बहुत बढ़िया है, आप इसको जैसे मर्जी उठाते रहो यार। अब वापस ही चलते हैं, थोड़ा सा अपील करके देखते हैं इस पे ना, जो इसके व्हील्स हैं, जो इसके टायर्स हैं ना, जो उसके ऊपर जो ऑफ रोडिंग की जो मतलब कहते हैं ना हम गुड्डी दे रखी है, तो उससे क्या है ग्रिपिंग अच्छा हो रहा है, मेरे टायर इतने फिसल नहीं रहे थे, बहुत ईजिली चल रहा था, और थोड़े बहुत ऑफ रोड में तो बहुत बढ़िया, मतलब मैं इस टाइम पे 25 के आसपास की स्पीड में चल रहा हूँ लेकिन मेरे को बिल्कुल भी ये फील ही नहीं हो रहा कि मैं ऑफ रोड में कर रहा हूँ, और प्लेन में तो भाई ये भाग रही है बस, मेरे को मतलब KTM के इक्विवेलेंट लग रही है, उतना फील तो नहीं है बट स्टिल बहुत अच्छी बाइक है। सो आप जा सकते हैं, देख सकते हैं।